इंडिया की पिंक सिटी जयपुर, इतिहास और कला का अनोखा संगम। जितना लगाव यहाँ के लोगों को अपने कल्चर से है, उतना ही शौक है शॉपिंग के जरिए उस कल्चर को जीने का। अभी तो जयपुर को शॉपिंग के दीवानों के लिए एक पैराडाइज माना जाता है, और उसी पैराडाइज का हिस्सा है ये OMG दुकान। आप भी सोच रहे होंगे कि कपड़ों की इस दुकान में ऐसी क्या OMG बात है। अजी बिल्कुल है, क्योंकि इस दुकान की दीवारें बनी है पेपर से। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, पेपर से। और ये कारनामा कर दिखाया है जयपुर की इस कमाल की आर्किटेक्ट जोड़ी ने। मिलिए अभिमन्यु और शिल्पी से, जो मिलकर अपने वेंचर एक्सप्रेशंस के जरिए बदल रहे हैं फ्यूचर ऑफ इंडियन कंस्ट्रक्शन, जिसके पीछे की साइंस है वाकई OMG। रॉकेट के स्ट्रक्चर में जो डिज़ाइन यूज होता है वो हनीकॉम्ब ही होता है। उसी हनीकॉम्ब टेक्निक को हम लोग पेपर में बना रहे हैं। इसमें अल्टरनेट लेयर ऑफ पेपर को स्टिक किया जाता है, और जब एक थिक पैनल बनता है उसको कट करते हैं तो ऐसा एक स्ट्रक्चर निकल के आता है। इसमें 6 ट्राइंगल होते हैं, और ट्राइंगल सबसे स्टेबल फॉर्म होती है। आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स अभिमन्यु और शिल्पी को कागज के घर बनाने का ख्याल तब आया जब वो स्कॉलरशिप लेकर मास्टर्स के लिए मिलान गए थे। मिलान में कंटेनर्स में रहने वाले रेफ्यूजीज की हालत देखकर इन्हें ये ख्याल आया कि क्यों ना इस हनीकॉम्ब पेपर से लोगों के लिए अफोर्डेबल घर बनाए जाएं। पर पेपर और मजबूती कुछ अटपटा सा नहीं लगता? ये पेपर हनीकॉम्ब पैनल का एक कट पीस है, जिसमें कि दोनों साइड फेस मटेरियल में जिप्सम बोर्ड यूज हुए हैं और बीच में पेपर हनीकॉम्ब है। और ये जो हेक्सागन सेल्स हैं, जिनकी साइज जितनी कम होती जाएगी पैनल की स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ती जाएगी। इस पेपर हनीकॉम्ब को अगर मैं कंपेयर करूँ ट्रेडिशनल मटेरियल जैसे ब्रिक, कंक्रीट, वुड, सीमेंट बोर्ड सभी से, तो इसका जो वेट है वो 1/10 होगा बाकी सभी से, और स्ट्रेंथ 5 गुनी होगी। मगर एक मिनट, बारिश, दीमक और आग का खतरा, अरे भाई इन सबसे हमारा कागज कैसे टक्कर लेगा? तो जब भी हनीकॉम्ब बनता है उससे पहले हम लोग जो रेजिन होता है उसमें एक कंपाउंड मिक्स करते हैं, जिससे कि वो टर्माइट प्रूफ बन जाता है। हनीकॉम्ब बनने के बाद उसको वाटरप्रूफ किया जाता है। एक केमिकल स्प्रे आता है जो कि इको फ्रेंडली है, उसका स्प्रे किया जाता है तो हनीकॉम्ब वाटर रेजिस्टेंट बन जाता है। फायर प्रूफ बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लाई ऐश, जैसे उनको इन सेल में फिल किया जाता है तो उसकी फायर प्रॉपर्टीज 10 गुना बढ़ जाती हैं। अजी इतना ही नहीं, हनीकॉम्ब पैनल से बने घर अर्थक्वेक में भी बिल्कुल सेफ हैं। अर्थक्वेक में आम दीवारों का फेस मटेरियल और उसके बीच का मटेरियल अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है, जिससे दीवार के टूट के गिरने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन हनीकॉम्ब पेपर वॉल्स में ऐसा नहीं है। हनीकॉम्ब पैनल के केस में हनीकॉम्ब दोनों ही फेस मटेरियल को कंबाइन करता है, तो पूरा सिस्टम एक साथ वाइब्रेट करता है, इसीलिए क्रैक कम आते हैं और भूकंप के केस में नुकसान कम होता है। अब कोई चीज इतनी कमाल की हो तो लोगों का ट्राई करना तो लाजमी है ना। तो विद इन 6 to 7 days मेरी शॉप कंप्लीट बनके तैयार हो गई, और इसकी कॉस्ट भी कन्वेंशनल से नियर अबाउट 50% मुझे पड़ी। ये OMG प्रोडक्ट सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं, बल्कि एनवायरमेंट के लिए भी एक वरदान है। हम लोग बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए हम इसको ड्राई वॉल बोलते हैं। का अगला कमाल देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, और चेहरे पे होगा सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन, OMG। आजकल स्पेसेस श्रिंक हो रही हैं, तो फर्नीचर भी ऐसा होना चाहिए, जब आपको जरूरत है आप उस फर्नीचर को खोलिए। वो कहते हैं ना कि दिल में इरादे हो सच्चे तो ख्वाब मंजिल पा ही जाते हैं। अभिमन्यु और शिल्पी के सच्चे इरादों से उनका ये OMG आइडिया भी अपनी मंजिल पा ही गया। इस OMG जोड़ी को OMG ये मेरा इंडिया सलाम करता है।